मिल तो गया काफी सारा, लेकिन शूज बॉटल चाहिए। शूज है तो अच्छा, कितने सारे उनको बहुत भेजती हूँ मैं, इसके ईमान के साइज के दिखाएंगे। ईवान आराम से बैठ जाओ, ईवा ईवान ईवान आराम से आराम से। चलो 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 लिफ्ट इज कमिंग। बोलो
सैंडल भी मिल गए और स्कूल शूज़ भी मिल गए बाटा से। यहाँ का बाटा मॉल ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छा है। नहीं मिले, नहीं मिले, हम वहीं वो थ्रो करके आ गए। ये पापा के हैं, छोड़ दो। तो शूज़ का तो काम डन, लंच बॉक्स का ले आए थे और अभी वाटर बॉटल रह रही है और एक स्कूल बैग रह रहा है। तो देखते हैं, मुझे तो लग नहीं रहा अब यहाँ कुछ मिलेगा। अब तो वापस जा रहे हैं घर और फिर देखते हैं वहाँ जाके सर्च करेंगे या ऑनलाइन सर्च करेंगे। शूज़ एंड लंच बॉक्स डन, घर नहीं जा रहे। ठीक है, चलिए थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे। तो फाइनली सारा सामान मिल गया। बड़े धक्के खाए यार, नोएडा का कोई मॉल नहीं छोड़ा हमने। गौर सिटी गए, मॉल ऑफ इंडिया गए, एक हमारे घर के पास ही है लॉजिक्स मॉल, वहाँ पे गए। बड़ी मुश्किल से, मतलब मुझे पर्सनली लगा नहीं था कभी कि बच्चे का सामान इकट्ठा करने के लिए स्कूल वाला, जब स्कूल स्टार्ट होता है इतना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। मुझे लगा था ऑनलाइन मिल जाएगा सारा सामान या फिर हम एक शॉप पे जाएंगे वहाँ से सारा सामान लेके आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑलमोस्ट वन वीक से भी ज़्यादा, 10 डेज से हम लोग धक्के खा रहे हैं, तो भी हमें एक एक दो दो सामान ऐसे मिल रहा था। फिर फाइनली दो चीज़ें तो बिल्कुल कहीं भी नहीं मिली, एक इसका बैग और एक थी वो स्ट्रैप वाली बॉटल जो स्कूल में बहुत ज़रूरी चाहिए थी। तो फाइनली फिर हमने वो ऑनलाइन की फर्स्ट ट्राई से। तो चलिए आपको सारा सामान दिखाती हूँ। आपके बच्चे भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी अभी स्कूल जाना शुरू हुए होंगे, पहली बार स्कूल जा रहे होंगे इवान की तरह, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्कूल यूनिफॉर्म की। तो स्कूल यूनिफॉर्म तो स्कूल से ही मिल गई थी, वो मैं आपको नहीं दिखा रही बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म इवान के स्कूल से ही मिली थी और मुझे लग रहा है मोस्टली बच्चों की स्कूल से ही मिल जाती है क्योंकि उन्हें ही पता होता है उनकी कौन सी ड्रेस है या फिर वो कोई पर्टिकुलर शॉप बता देते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था उसके लिए शूज़ लेना। तो हम शूज़ हमने खूब धक्के खाए इधर उधर, गौर सिटी मॉल में बाटा में गए तो वहाँ पे शायद कोई फायर वगैरह लग गई थी तो काफ़ी पहले बंद हो चुका था। उसके बाद हम लोग लॉजिक्स मॉल गए तो उसके बाटा में कुछ नहीं मिला। फिर मॉल ऑफ इंडिया से जाके उसके बाटा में गए क्योंकि बाटा में ही स्कूल शूज़ मिलते हैं मोस्टली, और वो फाइनली फिर हमें मिल गए। तो ये है इवान के स्कूल शूज़ जो ब्लैक कलर के चाहिए थे उसके स्कूल के हिसाब से, तो ये बहुत ही लाइट वेट है एकदम और एकदम बढ़िया है, जैसे हमें चाहिए थे वैसे ही स्कूल शूज़ मिल गए। तो अगर आप स्कूल शूज़ ढूंढ रहे हैं ब्लैक कलर के तो यू कैन गो टू बाटा, वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टफ है। अब गए थे तो लगे हाथ हम इसके सैंडल भी ले आए क्योंकि गर्मी में सैंडल चाहिए और ये अभी तक शूज़ ही पहनता है, सैंडल नहीं पहनता, तो हमें लगा चलो सैंडल भी ले लेते हैं, अब चाहिए ही आगे। तो साथ साथ हमने ये देखे कितने क्यूट सैंडल्स हैं ऑरेंज कलर के और ब्लू कलर के, ये भी हम साथ साथ उठा लाए कि गर्मी है तो ज़रूरत पड़ेगी ही आगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए था वो था इवान का स्कूल बैग। वैसे वो वन मंथ जो है वो प्ले स्कूल गया था लेकिन वो उन पे नाम लिखा हुआ था उस स्कूल का, तो वो बैग हम नहीं देना चाह रहे थे। तो ये है इवान का पेपा पिग वाला स्कूल बैग जो अजय ने मंगवाया, उनकी पसंद है ये। 3 कंपार्टमेंट वाला बैग है, 3 कंपार्टमेंट्स है, मतलब 3 चेन्स हैं ऐसे करके, 1 एक ये और एक ये 3। तो यहाँ पे है ये 3 चेन, मतलब 3 कंपार्टमेंट हैं। आगे हम देखेंगे क्या क्या कैसे रखेंगे, रात को लगाएंगे इस बैग को। तो काफ़ी अच्छा बैग है, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा लगा। ये फर्स्ट क्राइस है नहीं, फ्लिपकार्ट से मंगाया है मुझे याद आया, और पेपा पिक वाला है। तो इवान काफ़ी हैप्पी हो गया इस बैग को देखे, उसे बहुत बहुत पसंद आया। तो ये बैग हमारी पसंद का मिल गया, साइज़ है इसका 14 इंच और किंडरगार्टन वाले बच्चे जैसे नर्सरी केजी वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सही है ये साइज़ जो है बैग का, एकदम परफेक्ट। उसके बाद हमने ये एक लंच बॉक्स लिया इवान के लिए, ये है हेलो किटी लंच बॉक्स, काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब पिंक कलर मिला इसका, इसमें सी ग्रीन कलर भी था पर वो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर इवान ने देखा, उसने कहा नहीं मम्मा मुझे पिंक अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा चलो पिंक लेते हैं। बहुत अच्छा लंच बॉक्स है, ऊपर से तो प्लास्टिक है लेकिन अंदर स्टेनलेस स्टील है। खोल के दिखाती हूँ आपका कैसा है ये, इस तरीके का है ये, 4 चीज़ें यहाँ से ऐसे खुल जाती हैं। उसके बाद ये यहाँ पे एक छोटी सी डब्बी है जिसमें सब्जी दे सकते हैं, अंदर से स्टेनलेस स्टील है और यहाँ पे आप कुछ भी सब्जी दे सकते हैं और फॉक रख सकते हैं। तो ये एक लंच बॉक्स मिल गया, तो ऐसा लंच बॉक्स सही रहता है, कोशिश करिए बच्चे को स्टेनलेस स्टील का ही लंच बॉक्स दे। उसके बाद नेक्स्ट जिस चीज़ के लिए हमने काफ़ी धक्के खाए वो है ये बॉटल, लास्ट में ऑनलाइन ही ऑर्डर करनी पड़ी क्योंकि मिली ही नहीं कहीं पर। तो ये एक एक्स्ट्रा कप आया है, कप भी है छोटा सा, मतलब उसका हैंडल ऊपर रखने के लिए, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। मेन थी ये स्ट्रैप, जो कहीं भी नहीं मिल रही थी स्ट्रैप वाली बॉटल, आजकल पता नहीं फैशन में नहीं है या मुझे नहीं पता, लेकिन मिल नहीं रही थी कहीं भी। तो फाइनली फ्लिपकार्ट पे मिली जाके, तो काफ़ी अच्छी बॉटल है, स्ट्रैप आप अपनी मर्जी से लंबी चौड़ी कर सकते हैं और खुलती ऐसे है ये, यहाँ से प्रेस करो तो काफ़ी ईजी है, स्ट्रॉ वाली बॉटल है, बच्चा आराम से पी के बंद कर सकता है। तो फाइनली हमारी तलाश जो थी वो ख़त्म हुई फ्लिपकार्ट से और ये स्ट्रैप वाली बॉटल एक मिल गई, इस तरीके के बॉक्स में आई थी। और फाइनली इवान के कुछ इनर वियर चाहिए थे क्योंकि अब ड्रेस है, ड्रेस चुभती है बच्चे के,
स्कूल यूनिफॉर्म इतना अच्छा मटेरियल तो उसका होता नहीं है, तो नीचे के कुछ वेस्ट चाहिए थे और साथ में कुछ नीचे पहनने के लिए भी चाहिए थे इनर वियर। तो इनर वियर में हमें ये लेके आए हैं, हम छोटी छोटी सी अंडरवियर टाइप है, जैसे ईमान चेन वगैरह बंद करते हैं तो फिर जेनिटल पार्ट जो है वो इफेक्ट ना हो, कहीं फंस जाए चेन में, लड़कों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अजय को था थोड़ा सा आइडिया तो उन्होंने कहा कि ये लेके चलना है हमें, तो ये लिया है। काफ़ी छोटी छोटी क्यूट क्यूट और कपड़ा बहुत ही स्मूथ है वी शेप्ड में। तो ये तीन का सेट लेके आए हैं, बेबी ऑय ब्रांड है ये, फर्स्ट ट्राई था वहाँ पे गौर सिटी मॉल में, फर्स्ट ट्राई का शोरूम था तो वहाँ से हम लेके आए थे। और ये साथ में कुकुम्बर के तीन वेस्ट लेके आए हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। कुकुम्बर के तो मैंने काफ़ी कपड़े पहनाए हैं ईमान को शुरू से ही, बचपन से ही। तो ये देखिए ये इस टाइप के वेस्ट हैं, बहुत ही स्मूथ कपड़ा और बहुत ही अच्छे हैं, तो ये वाले भी हम लेके आए थे। तो बस यही सारा सामान था मैं इकट्ठा करना था, और इसके लिए हमें हफ्तों लग गए इकट्ठा करने में, पर फाइनली सारा सामान मिल गया है, विमान मंडे से सब कुछ लेके जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।